आप तीनों से जानना चाहूँगा। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मिसेस के लिए भी मतलब ऐसे कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड। मैं इंदौर से आई हूँ एंड आई होप आई विल टेक द क्राउन। थैंक यू। Yeah, what do you want to say about it? Yeah, same as such what she said. I think it's absolutely true because as such I am 40 years old and belonging to the family and giving my whole life to my family is the first time I'm giving actually opportunity to myself and I'm actually looking forward and following. I'm going to follow my passions and dreams. Let's see what's going on. Yeah. क्या कहना चाहेंगे आप इस जो नया वुमेन के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा लिया गया है वुमेन्स के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि वुमेन्स के लिए ये नया स्टेप किया गया है। मिस के लिए लिया था, मिसेस के लिए लिया गया, इसके लिए हम सबसे पहले तो आप तीनों से जानना चाहूँगा आज का जो सेशन था उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो है बड़ा स्टेप लिया गया है वुमेन्स को लेकर, मैरिड वुमेन्स को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप तीनों एक एक करके? सबसे पहले तो आप बताइए। जो आज का सेशन था अमनी मैम के द्वारा जो हमें दिया गया, इट वॉज वेरी नाइस, सच ए नाइस एक्सपीरियंस वी हैड गेन्ड। एंड पहली बार अपन लोग बाहर निकले हैं, इतना अपनी सारा फैमिली को टाइम दे के अपना पूरा एज अपनी फैमिली को दिया है एंड मिसेज इंडिया ग्लोब ने हमें जो इतना ब्यूटीफुल जो चांस दिया है तो हम उसको अवेल करने के लिए इतनी दूर से आए। मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ एंड बाय प्रोफेशन मैं डेंटल सर्जन हूँ, तो मेरा प्रोफेशन तो बहुत ही सीरियस काइंड का है बट ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो इट्स लाइक अमेजिंग, रियली टू गुड। एंड अवनी मैम ने बहुत अच्छा हम लोगों को सिखाया है तो हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सीरियसली जो इन्होंने कहा बहुत अच्छा था, अवनी मैम ने जो हमें सिखाया, मतलब कुछ बहुत कुछ नया सीखने को उसमें हमें मिला था और कुछ जो हमें हमारे वर्ड्स थे, टंग, द वे ऑफ टॉक, द वे ऑफ वर्ड यूज़, बहुत कुछ था, बहुत अच्छा था। तो उम्मीद जो लेके आए हैं उसे पूरा करना है। आई वॉन्ट टू वेयर दैट क्राउन। थैंक यू। जो आज का हमारा सेशन हुआ था अवनी मैम ने लिया था, उसमें हमें डिक्शन के बारे में बताया गया था जो मुझे लग रहा था बहुत नेसेसरी है क्योंकि इस तरह के पेजेंट में हम आ रहे हैं। गलत प्रोनाउंसिएशन, किस तरह से बात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हम जजेस के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सेशन मुझे बहुत मीनिंगफुल लगा कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं, कहाँ गलत नहीं हो सकते, तो हमें करेक्ट किया गया था। और साथ में हमको सिखाया गया कि स्टेज पे कैसे अपने फियर पे ओवरकम करना, स्टेज पे कैसे बातें करना, कैसे पोस्चर लेना, कैसे बोलना, तो विच इज़ गोइंग टू ऐड वैल्यू इन आर पूरा ये प्रोसेस में हम लोग को बहुत मज़ा आया और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आगे ऐसे और सेशंस होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एंड रिलेटेड टू दिस ब्यूटी पेजेंट